अप्रैल 1933 में पहला दस्ता और 6 आरएएफ ट्रेंड अफसर। ताकतवर हेलीकॉप्टर में से एक शिनूक हमारी वायुसेना का हिस्सा है। ये शिनूक 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। 54 सैनिकों को लेकर शिनूक हवा में उड़ सकता है। 11 टन से ज्यादा वजन शिनूक उठा सकता है, ये उसकी क्षमता है। और 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दुश्मनों पर हमला कर सकता है। और सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर में से एक है महाबली शिनूक। उद्बोधन होगा जो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पूरे वायुसेना के लिए, पूरे देश के लिए वायुसेना दिवस पर जो भी वायुसेना अध्यक्ष कहते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद जो एक ख़ास चीज़ है वो ये है कि वायुसेना अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म बदल रही है। नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म 10:30 बजे उसका प्रदर्शन किया जाएगा, उसको सबके सामने लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हो जाए। अगर आप देख पाए तो बैंड मार्चिंग कर रहा है। 9:14 पर परेड को आना है और बैंड ने अंदर आना शुरू कर दिया है। बैंड के पीछे निशान टोली चलेगी। निशान टोली यानी उसमें वायुसेना का ध्वज होता है और फौज में जो ध्वज होता है, कलर होता है, उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत इज्जत के साथ उसको लाया जाता है किसी भी समारोह में और उसके बाद उसको वापस ले जाया जाता है। निशान टोली जब मार्च करती हुई आएगी तो उसके बाद सारे के सारे जितने लोग वर्दी में होंगे वो उसको सैल्यूट करेंगे और बाकी जो लोग हैं वो भी उठकर खड़े हो जाएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि वायुसेना दिवस का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और अब बैंड मार्च करता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे निशान टोली मार्च करती हुई आएगी और उसके बाद उसके पीछे पूरी परेड आएगी। तो चंडीगढ़ से ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बैंड मार्च को आप देख सकते हैं, एक ताल, एक धुन और एक लय में कदम ताल करते वायुसेना के ये जवान आपको नजर आ रहे होंगे। और जो संगीतमय प्रस्तुति ये दे रहा है बैंड, ये वाकई ये धुन है हमारे देश के गौरव की, ये धुन है हमारे देश के वायुसेना की जिसने अपने 90 साल पूरे कर लिए हैं। आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद हो, भारत की ताकत बनकर जो हेलीकॉप्टर, जो एयरप्लेन और जो मिसाइलें दुश्मनों के हौसले पस्त करने का काम करती है, वो सब कुछ इसी वायुसेना का हिस्सा है। ये वो जवान हैं जो देश की सेना के लिए सीमा पर लड़ते हैं, हवा में उड़ान भरते हैं और महज कुछ सेकंड की देर में ही इनका विमान हवा में होता है, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार होता है। और पिछले 90 सालों से भारतीय वायुसेना की यही उपलब्धियां हमें सबसे खास बनाती हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना भारत के पास है। 1932 में जिसकी स्थापना हुई, इतनी पुरानी वायुसेना भारत के पास है। भारत के पास बेहद खराब मौसम में उड़ सकने वाले भी ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाते हैं, हिंदुस्तान की उड़ान को और शक्तिशाली बनाते हैं। और आज आसमान में इन्हीं वायुवीरों का पराक्रम हमें देखने को मिलेगा। वायुसेना का इस प्रचंड प्रदर्शन का साक्षी बनेगा हर भारतवासी, हर हिंदुस्तान का निवासी और खास तौर पर चंडीगढ़ का सुखना लेक, जहां पर पहली बार फ्लाई पास्ट हो रहा है, परेड हो रही है। देखिए परेड की लाइव तस्वीरें और दूसरी तरफ हमारा वायुवीर। ये जो बैंड चल रहा है, इस बैंड के ठीक पीछे निशान टोली चलने वाली है जो कि वायुसेना का ध्वज लेकर चलेगी। और जितने भी जवान वर्दी में वहां पर मौजूद हैं, यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, वो सभी सैल्यूट करेंगे इस निशान टोली को, भारतीय वायुसेना के ध्वज को। आपको बता दें कि जो हेलीकॉप्टर इस वक्त आप देख रहे हैं ये महज 19 देशों के पास है और उन शक्तिशाली 19 देशों में हमारा भारत एक है। आसमान में वायुवीरों का जो पराक्रम आज दिखेगा उसका हिस्सा ये हेलीकॉप्टर भी होगा। तो ये लाइव तस्वीरें आप चंडीगढ़ के सुखना लेक से देख पा रहे होंगे। इस आयोजन की खास बात ये होगी कि इसमें ऐसे गणमान्य सदस्य मौजूद रहने वाले हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, खास तौर पर हरियाणा और पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में है, साथ ही हरियाणा और पंजाब के राज्यपाल, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री, साथ ही नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान भी इसमें शामिल होंगे। बतौर CDS अनिल चौहान पहली बार इसमें शिरकत करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वायुसेना दिवस पर पहुंचेंगी चंडीगढ़। तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं परेड की। रिटायर्ड कर्नल TC राय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली NCR हरियाणा पर, और हम अपने दर्शकों को चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं 90वीं वर्षगांठ की और वायुसेना दिवस की। किस तरह से खास होने वाला है इस बार का वायुसेना दिवस, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव इस बार देखने को मिलने वाले हैं, कौन से होंगे वो बदलाव? देखो जरा, सबसे बड़ी बात, हमारे राष्ट्रपति पहला डिफेंस फोर्सेज का कोई प्रोग्राम होगा जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो सुप्रीम कमांड ऑफ आर्मेड फोर्सेज हैं, जो एयरफोर्स